Namaste, I am Rajni and you are watching my channel Rajni Mom Care India. So, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे अपने घरों के अंदर. तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है How we can reduce the screen time of the kids. हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें, क्योंकि बच्चों को ज्यादा मोबाइल देखना बहुत पसंद है और वो ज्यादा मोबाइल देखते हैं जिससे कि उनके आंखों पे इफेक्ट होता है. देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस आल्सो ऑफ मोबाइल. सो पेरेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से कहते हैं कि आई एम फीलिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ मम्मी पापा मैं क्या करूँ. तो पेरेंट्स उन्हें मोबाइल दे देते हैं. बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है अपना काम करते हैं और मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देते हैं, बच्चा मोबाइल करता रहता है. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड. दिस इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड बिकॉज आंखों में ज्यादा अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपकी आंखों में रेडनेस हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है और बाद में हो सकता है आपको पावर भी लग जाए. सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ द किड इज सेइंग दैट आई एम गेटिंग बोर्ड, तो बोर्डनेस से ही फ्रॉम द बोर्डनेस ओनली द creativity arises and from the creativity only the innovation and invention arises. So we need to make our child creative. हमें अपने बच्चों को creative बनाना है और कुछ creative चीजें करानी है उनसे ताकि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो और ज्यादा develop करे और ज्यादा वो अच्छा हो जाए. The second point is that हम सबको पता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हम पेरेंट्स को कॉपी करने में माहिर होते हैं. तो जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसा ही बच्चे भी करते हैं. तो पेरेंट्स को खुद थोड़ा सा वी नीड टू डिक्रीज द स्क्रीन टाइम. पेरेंट्स अगर अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तो किड्स विल ऑल्सो डिक्रीज द स्क्रीन टाइम एट द सेम टाइम. सो दिस थिंग वी नीड टू डू फॉर अवर चाइल्ड. मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो मॉर्निंग में भी यूज करते हैं मोबाइल एंड देन इन द डाइनिंग टेबल ऑल्सो व्हेन द होल फैमिली इज देयर दे आर ईटिंग दैट टाइम ऑल्सो दे आर यूजिंग द मोबाइल. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड. ये कुछ ऐसा है जो कि अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को देख के फिर वो सेम चीज करना शुरू कर देते हैं. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट विल बी दैट कि आपको याद होगा हमारा चाइल्डहुड डेज कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे टीवी पे सिर्फ एक चैनल आया करता था, दैट वॉज दूरदर्शन. तो हमारा जो भी फेवरेट कार्टून है या मम्मीज का जो भी फेवरेट सीरियल था उसको देखने के लिए मम्मीज अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करती थी और हम वेट करते थे कि इस टाइम पे हमारा एक फेवरेट कार्टून आएगा और हम उसको देखेंगे. सो इन द सेम वे वी कैन लिमिट द टाइम हियर ऑल्सो. अगर हम टाइम को लिमिट करेंगे तो उस टाइम को बच्चा कहीं और यूज कर सकता है. सो द फोर्थ पॉइंट विल बी दैट वी कैन यूज दैट टाइम इन सम एक्टिविटीज, लाइक हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, मे बी सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग और मेनी अदर एक्टिविटीज वी कैन डू विद द किड सो दैट द किड विल एंजॉय विद द पेरेंट्स एंड दे विल स्पेंड मोर टाइम विद द पेरेंट्स. सो द फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट विल बी दैट अगर बच्चे ये कहते हैं कि मम्मा मुझे आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज डोंट गो टू द ऑफिस, और पापा प्लीज डोंट गो टू द ऑफिस, आई वॉन्ट टू स्पेंड द टाइम विथ यू. सो द लास्ट नाइट आप प्लान कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज है द डे यू विल बी टेकिंग द लीव फ्रॉम योर ऑफिस और फ्रॉम योर वर्क. तो आप उस टाइम पे ऐसी कौन से एक्टिविटीज है जो कि आप अपने बच्चे के साथ करना चाहेंगे. आप रात को कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, एक या दो एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट, ताकि जिस दिन आप नहीं जा रहे हैं बच्चे को आप टाइम देने के लिए तो उस टाइम को आप यूज कर सकते हैं बच्चे के साथ और बच्चा भी बहुत खुश हो जाएगा और वो उस दिन को याद करेगा और इससे बच्चे की जो स्क्रीन टाइम है वो खुद डिक्रीज हो जाएगा. किड विल एंजॉय दैट मोमेंट विद यू. सो एवरी चाइल्ड इज अ स्टार. यस, एवरी चाइल्ड इज अ स्टार एंड इज अ गुड परफॉर्मर
एंड हमें उसे और क्रिएटिव बनाना है ताकि वो अपना स्क्रीन टाइम को और थोड़ा रिड्यूस करके अपनी आंखों को बचा सके. बिकॉज ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस एंड मेनी अदर थिंग्स किड्स आर यूजिंग द मोबाइल ऑलरेडी, बहुत ज्यादा वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मोबाइल को. तो इसलिए हमें और हम